ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाडाडी मोहन सराय में गोली मारकर हुई हत्या में लिप्त मृतक की पुत्री सहित दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विगत 29 जुलाई को कर्नाडाडी मोहनसराय ओवरब्रिज के समक्ष राजेश कुमार जायसवाल की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या का पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित कुमार ने पुलिस लाइन में सफल अनावरण किया, जिसमें गोली मारने वाले दो अभियुक्त और साजिश में शामिल मृतक की पुत्री को रोहनिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। रोहनिया पुलिस क्राइम ब्रांच सर्विलांस के माध्यम से सनसनीखेज हत्याकांड का महज दो दिन में खुलासा किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से एक अदद 32 बोर पिस्टल, दो मैगजीन व दो कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। देखिए, 29 तारीख की शाम को लगभग 7:30 बजे राजेश जायसवाल, जो कि मिर्जा मुराद थाने के समाचाबाद गाँव के रहने वाले थे, वो अपनी सास को हेरिटेज अस्पताल में खाना, उनके साथ बीमार थी, उनको खाना देने के लिए घर से जा रहे थे। मोहन सराय से जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ते हैं उसकी तरफ, तो सुनसान एरिया पड़ता है, उस दिन बारिश भी थी। तो शाम को सूचना मिली कि कुछ अज्ञात लोगों ने जो है उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। उन्हीं के गाँव का एक आदमी पीछे से आ रहा था, उन्होंने उनको पहचाना कि ये हमारे गाँव के लोग हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई। तो फिर उनके घर वालों को सूचना दी गई, तो प्रथम उसमें उनके घर वालों ने जो है ये शंका जताई थी कि उनके ही परिवार में जो है ज़मीनी एक विवाद चल रहा है उनके बड़े भाई से। तो उन्होंने शंका जताई कि संभवतः ये हो सकता है कि उन्होंने ज़मीन के विवाद में ये काम करा दिया हो। लेकिन पुलिस को कुछ और इसमें उसी रात में महज इम्पोर्टेंट क्लूज मिल गए थे कि कुछ और भी मामला इसमें हो सकता है। तो हम लोग लगातार उसकी तहकीकात में लगे हुए थे। अंत में देखिए, मामला निकल के ये आया है कि जो श्री राजेश जायसवाल जी की ही एक छोटी पुत्री हैं, उनका ही अपने गांव के एक लड़के से प्रेम संपर्क था। उसमें ये दोनों शादी करना चाहते थे, जिसमें राजेश जायसवाल जी कई बार मना भी कर चुके थे। लड़की के ऊपर सख्ताई भी हो रही थी, उसके मोबाइल वगैरह भी ले लिए गए थे, कुछ समय के लिए उसको बाहर भी भेज दिया गया था। लड़के के घर वालों ने भी सख्ताई की थी। तो उसमें ये था कि उनको लगता था लड़की को कि ये शादी में हम लोगों के बीच में अड़चन है, उसी में ही इन लोगों ने जो है प्रेरित होकर जो है उस लड़के को जो है मोटिवेट किया कि भाई या तो हम यहाँ से भाग चलते हैं, वरना जो है जब तक फिर मेरे पिता रहेंगे तब तक हम लोग शादी नहीं कर पाएंगे। इसी में ही जब ये उस 29 तारीख की तारीख को 7 बजे लगभग अपने घर से निकले थे, तो उस लड़की ने इनको सूचना दी मोबाइल से कि पिता मेरे घर निकल चुके हैं, आज इस काम को आप लोग अंजाम दे दीजिए। तो वही दोनों लड़के जो है, जो मेन लड़का है एक अभियुक्त जावेद और उसका दोस्त, वो दोनों बाइक से निकले पीछे पीछे, और मोहन सराय से आगे एक सुनसान थोड़ा सा एरिया पड़ता है ब्रिज के ऊपर, वहाँ इन्होंने घटना को काबित किया। घटना से पहले भी जो है उसके इन लोगों की जो है वो कॉल्स आपस में, जब इन्होंने रेकी करने के लिए कॉल का प्रयोग किया है, तथा बाद में भी जब ये घटना हो गई उसके बाद भी इनका कॉल्स का जो है आपस में आदान प्रदान है, SMS का भी आदान प्रदान है। और उसके बाद इन्होंने दोबारा अपना ये घटना करके अपने गाँव में ही जाके आराम से अपने घर में छिप गए, क्योंकि किसी को शक नहीं था। और वहीं जो है इन्होंने अपने घर में ही जो है उसको अपना जो घटना में जो पिस्टल जो उपयोग में लाई गई थी उसको भी छुपा दिया। तो ये सारी चीज़ें जब पुलिस ने तहकीकात की, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल के कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। इन लोगों को भी जब पूछताछ की गई तो इन लोगों का भी जो है ये इसमें इन्होंने चीज़ें सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये एक समाज को हिलाने वाली घटना है कि जिसमें अपने पिता की हत्या में पुत्री ही अगर शामिल है, तो ये एक समाज के लिए बड़े चौंकाने वाली बात है। और कहीं ना कहीं जो है ये इस तरह के संबंधों को भी तारतारी चीज़ें करती हैं। तो ये आज केस वर्कआउट हुआ है, और हमारी जो टीम जो वर्कआउट इसने किया है उसको हम लोगों ने 5,000 का इनाम भी घोषित किया। गिरफ्तारी सर बरामदगी क्या है, गिरफ्तारी कितने लोगों की, बरामदगी क्या? देखिए, इसमें एक जो हत्या में शामिल में उनकी पुत्री और जो दो लड़के घटना करने वाले हैं, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। जिस मोटरसाइकिल से ये लोग आए थे वो भी बरामद हो गई, इस लड़के की मोटरसाइकिल है, और इसमें जो पिस्टल यूज में लाई गई थी उसकी भी वो भी बरामदगी हो गई। सर, घटना में जिस पिस्टल का उपयोग किया गया, पिस्टल कहाँ से लाए थे ये? इस लड़के ने बताया कि इसने लगभग 4-5 महीने पहले जो है ये बिहार से कहीं से पिस्टल ली थी। तो उसका उस पॉइंट को भी हम लोग जो है तहकीकात कर रहे हैं, कहाँ से ली थी, कब ली थी। तो वो भी एक गैंग वर्कआउट हो सकता है। बेटी बालिक है या ना बालिक? नहीं, बेटी बालिक है।